नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जशपुर जिले के बगीचा गांव स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में पहुंचे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में वो शामिल हुए और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से जुड़कर योजना के लाभार्थियों से उन्होंने संवाद किया। You need to wait for if someday, which I don't think will happen because as Atalji never wrote, I'm not Pranab Mukherjee nor his daughter, so I will not be writing a tell-all book. I will only say this, that whatever transpired then is to the best of my knowledge and the knowledge of everybody who was a decision maker and everybody who was in an administration. तो पीएम मोदी इस वक्त लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री यहां पे वर्चुअली संवाद कर रहे हैं लाभार्थियों से। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हैं। जशपुर जिले के बगीचा गांव के स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में ये कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री भी वर्चुअली इससे जुड़े। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में वो शामिल हुए। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअली रूप से जुड़े हैं और यहाँ पे जो लाभार्थी हैं उनसे वो संवाद कर रहे हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम भी दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहली रो में बैठे विष्णुदेव साय और प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़े हैं। उन्होंने खुद यहां पे संबोधित भी किया और वो संवाद कर रहे हैं लाभार्थियों के साथ। वो सीधा संवाद उनका हो रहा है। और प्रधानमंत्री इससे पहले भी अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ जुड़ के इस तरीके से संवाद करते रहे हैं। उन्हें यह एहसास कराते रहे हैं कि उनके और आम आदमी के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, एक कनेक्ट जो है जनता के साथ उनका हमेशा रहा है और वो जुड़ाव अक्सर दिखाई देता है। यहाँ पर भी वो वर्चुअली जुड़े हैं और संवाद वो कर रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं विष्णुदेव साय। बड़ी संख्या में लोग हैं, प्रधानमंत्री भी वर्चुअली जुड़े हैं।